उड़ीसा 3 ट्रेन दुर्घटना, स्मार्ट गैजेट्स की कहानी। अंधकार ने शहर को अचानक ढांक दिया। लोगों ने अपनी गतिविधियों को ठान लिया, जैसे कि वे सदियों से सोए हुए थे। एक रहस्यमय दर्पण ने उनकी सुनसानी को छिड़क दिया, जहां एक घटना घटने वाली थी जिसे उन्होंने अभी तक जानने की उम्मीद नहीं रखी थी। एक रात जब सब आराम कर रहे थे, उड़ीसा रेलवे स्टेशन पर एक स्ट्रेंज ट्रेन ठहरी। किसी भी अनुभव की ओर संकेत करने वाले मॉडर्न मशीन ने इस ट्रेन को एक आकर्षकता से भर दिया था। लोग चकित होकर ट्रेन की ओर आकर्षित हो रहे थे, जैसे वे एक जादूगरी शक्ति द्वारा मोहित हो रहे हों। अचानक ट्रेन के इंजन ठहर गया और सभी बिजली का प्रकाश चला गया। उसके पीछे एक मालगाड़ी आ गई और उसके पीछे एक और पैसेंजर ट्रेन मिल गई। सभी चिंता में थे। जब लोग बाहर देखने निकले तो वे भयभीत हो गए। ट्रेन का मार्ग अजीबोगरीब आत्माओं के साथ दिखाई देने लगा। ट्रेन के रेल ट्रैक पर लोगों ने अव्यवस्थित चिन्हों को देखकर उनकी धड़कनें थम गईं। वे हैरानी में अपनी निगाहें घुमाते रहे, उम्मीद करते हुए कि यह एक रोचक और अद्भुत घटना होगी। लेकिन यहाँ तक कि वास्तविकता भी उनसे डरावनी थी। उन्होंने देखा कि ट्रेन के सभी दरवाजे बंद हो गए थे और ट्रेन के अंधकार में कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली हो गई थी, जैसे किसी अद्भुत षड्यंत्र ने सभी को दूसरी दुनिया में ले जाने का निर्णय ले लिया हो। लोग व्याकुल हो रहे थे, अपने विचारों में उलझकर इस अन्यायपूर्ण घटना की वजह खोज रहे थे। क्या यह कोई शैतानी खेल था? क्या इस ट्रेन ने सभी यात्रियों के अस्तित्व का कोई संकेत नहीं छोड़ा था? शहर के पास एक रहस्यमय मंदिर था, जिसे लोग गहरी आदर से मानते थे। इस मंदिर में एक पंडित रहता था, जिसके बारे में लोगों को आश्चर्यचकित होने का कारण था। इस पंडित के पास एक स्पेशल डिवाइस था, जो उन्हें शक्तिशाली बनाता था। यह डिवाइस एक स्मार्ट गैजेट था, जिसमें उनकी शक्तिशाली बुद्धि स्थापित थी। वो इस डिवाइस की मदद से भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकता था और अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकता था। जब ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनी गई, तो पंडित ने अपनी डिवाइस का उपयोग करके इस घटना की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने देखा कि ट्रेन की पटरी में खामी के कारण हादसा हुआ था और ट्रेन की सभी उपकरण समेत कई यात्रियों की सांसें भी बंद हो गई थी। अपनी शक्तिशाली बुद्धि का उपयोग करते हुए पंडित ने तत्काल एक इंजीनियर को संपर्क किया और ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए उपाय बताए। इंजीनियर ने पंडित के सुझाव को मानते हुए ट्रेन में स्मार्ट गैजेट लगाने का निर्णय किया। यात्रियों ने कुछ ऐसा देखा कि चिंतित होने के बजाय आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा क्या देखा? कौन से गैजेट उस ट्रेन में पाए गए? कौन था वो इंजीनियर? इसके बाद क्या हुआ होगा?